नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एनआईए करेगी बेंगलुरु धमाके की जांच, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसी को दी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, संसद में वोट लेकर भाषण देने वालों को कानूनी संरक्षण नहीं। ईडी के समन पर केजरीवाल की दो टूक। 6 मार्च को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे किसान, यानी किसने दी चेतावनी। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजुमदार सड़क दुर्घटना में घायल। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु से रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले मशहूर रामेश्वरम कैफे में हुए आईडी ब्लास्ट की जांच सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी सीसीबी को सौंप दी गई थी। वहीं कर्नाटक पुलिस कई एंगल से इस केस की जांच कर रही है। इसमें बिजनेस राइवलरी और राज्य में होने वाले इन्वेस्टर समिट से पहले लोगों को आतंकित करने की साजिश जैसे एंगल शामिल है। यह विस्फोट व्हाइट फील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में हुआ, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। पुलिस को संदेह है कि टाइमर के साथ एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट का कारण हो सकता है। बता दें कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार 1 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे बम विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। मदगी गांव मोगदमपल्ली मंडल जहीराबाद अरशद जमा पटेल मदगी सरपंच प्रतिनिधि और सह विकल्प सदस्य मोगदमपल्ली मंडल कांग्रेस नेता 10 लाख रुपए के सीसी रोड कार्य का उद्घाटन एनआरआईजीसीएस अरशद पटेल द्वारा किया गया और इस अवसर पर उप सरपंच गफार अहमद, अतीक नरसन्ना, नागप्पा जावेद और अन्य उपस्थित थे। जहीराबाद से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सांसदों और विधायकों को विधायिका में भाषण देने का या वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी संरक्षण के मामले में कहा है कि वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों विधायकों को कानूनी संरक्षण नहीं है। सीजेआईडीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेपी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने फैसला सुनाया। 7 जजों ने सहमति से यह फैसला सुनाया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईडी के समन पर सोमवार को पेश नहीं होकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है और उनके बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी ईडी के समन और केजरीवाल की पेशी पर प्रतिक्रिया दी। सौरभ भारद्वाज बोले, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ईडी को जो सवाल पूछने वे पूछ लें, लेकिन अगर इनके मन में कोई षड्यंत्र है तो ईडी इसके लिए जरूर कोई बहाने बनाएगी। मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने दावा किया है कि इस घोटाले के तार सीएम केजरीवाल से जुड़े हैं, जबकि केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा था कि शराब घोटाला कुछ है ही नहीं। खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। मीडिया से बातचीत में किसान नेता सरवन सिंह पंडरे ने कहा, हम किसान यहीं रहेंगे, हम अपने ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। सरवन सिंह पंडरे बोले कि हमने दिल्ली की ओर मार्च करने का अपना फैसला नहीं बदला है, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार सड़कें फिर से नहीं खोल देती। उन्होंने कहा कि हमने अन्य राज्यों के किसानों से 6 मार्च को रेलवे, बस या किसी अन्य वाहन का उपयोग करके दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए कहा है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों से 150 से ज्यादा किसान संगठनों ने 13 फरवरी से किसान दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन से पहले ही दिल्ली धारा 144 लगा दी गई थी और दिल्ली की सारी सीमाएं सील कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त वो दुबलिया से कोलकाता लौट रहे थे। इसी दौरान नदिया में उनके काफिले ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, इस वजह से एक कार पुलिस बैरिकेड से टकरा गई। इसका असर काफिले की दूसरी गाड़ियों पर पड़ा और सुकांत मजुमदार घायल हो गए। आपको बता दें कि सुकांत मजुमदार को बीजेपी ने बंगाल के बलूरघाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 में उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी। बीजेपी ने अभी तक पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 20 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें मौजूदा सांसदों को रिपीट किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार रात सुरक्षा मुख्यालय के CUG नंबर पर एक अज्ञात शख्स ने फोन करके धमकी दी। इस धमकी के बाद ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कोतवाली थाने की शिकायत के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। नंबर को आधार बनाकर पुलिस धमकी भरा कॉल करने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। बताया गया कि कांस्टेबल ने जब धमकी देने वाले शख्स का नाम पूछने की कोशिश की तो उसने फोन काट दिया। इस मामले में महानगर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल उद्धम सिंह शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। इस कॉल के बाद ही प्रशासन के होश उड़ गए हैं और सुरक्षा को और भी चौबंद कर दिया गया है। जहां से कॉल आया सर्विलांस के बेस पर लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की चार टीमें आरोपी को दर दबोचने में लगी है। बताया गया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर लखनऊ में बारिश के बाद के हालात का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सड़क पर हुए गड्ढे में एक रेड कलर की कार फंसी हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में ये कार हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही है और आसपास लोग खड़े हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर से ट्रैफिक को रोक दिया गया और कार को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला लखनऊ में विकास नगर सेक्टर 4 स्थित यदुवंश क्लिनिक के पास वाली सड़क का बताया जा रहा है। बताया गया कि यहां हुई जोरदार बारिश के बाद अचानक सड़क धंस गई और 20 फुट गड्ढा हो गया। सूचना पाते ही विकास नगर पुलिस, PWD और जलकल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग करके रेस्क्यू में जुट गए। यूपी के बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मीडिया के मुताबिक एक कार ने नहर में गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 लापता बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा, 8 यात्रियों से भरी एक कार नहर में गिर गई, 5 को बचा लिया गया। इनमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल है और 2 सुरक्षित है। लापता 3 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF और SDRF भी आ रही है। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि हादसे के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। चश्मदीदों ने बताया कि इस हादसे के बाद आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग नहर में गिरे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे।
दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश के करोड़ों युवाओं से कहना चाहूंगा, यदि हमारे युवा एक कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार 100 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करेगी। हमने इस अपने कार्यों से इसे सिद्ध भी किया है। हम आईडेक्स से बढ़कर आईडेक्स प्राइम लेकर आए और 1.5 करोड़ रुपए की मदद को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक किया है। इस पार्टनरशिप की सफलता को व्यापक रूप से पहचाना गया है। यह हमारे युवाओं की मेहनत का ही परिणाम है कि आईडेक्स को प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। एनआईए करेगी बेंगलुरु धमाके की जाँच, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसी को दी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, संसद में वोट लेकर भाषण देने वालों को कानूनी संरक्षण नहीं। ईडी के समन पर केजरीवाल की दो टूक। 6 मार्च को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे किसान, यानी किसने दी चेतावनी। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजुमदार सड़क दुर्घटना में घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।